मैम ने कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया था, तो हम उन्हें लाए गंगा किनारे धक्का देने के लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें एक आदमी मिला जो अरित्रदा को नहाने के फायदे बता रहा था, और अपने एक दोस्त से मिलाया जो नहाता नहीं है। फेक मोटिवेशन लेकर हम आगे बढ़े और पहुंचे लिट्टी की दुकान। छोटी छोटी लिट्टियां देखकर हमारे दोस्त के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर उसने देखा लिट्टियों को कूटा जा रहा था, जैसे बचपन में हमारे माँ बाप हमें कूटते थे। मैडम के हाथ लिट्टी आई मगर वो मुंह को न लगा पाई, क्योंकि हमें मिल गए थे हमारे फैंस जो हमें विवेक ओबराय का छोटा भाई समझ करके फोटो खींच रहे थे। फाइनली मैम के हाथ लिट्टी आई और मेरे दोस्त के आंखों में पानी। मैम ने बताया कि मार्च का महीना है, तुम्हारे मुंह से अप्रेजल छीन लूंगी, और खुद पहली बार लिट्टी खाकर बताने लगी ये दुनिया की बेस्ट लिट्टी है। थोड़ा पुण्य कमाने के लिए हमने गरीबों को भी खिलाया। फिर मैम को मिला दुनिया का सबसे यूनिक टिश्यू पेपर। हमने देखा ऊंची पहाड़ी से चाय को छलांग लगाते हुए। ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए एक चाय से काम चलाना पड़ा, और दोस्त की डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। फिर हम आगे निकले मैम को बताने के लिए कि हमें भी बजाना आता है। रास्ते में मिला वो आदमी जो रात को सन्नाटे को चीरती सनसनी में आता है, ये सुनकर उसको भी हंसी आने लगी। बच्चा दिखा तो हमने ज्ञान दे दिया, बेटा तुम हेयर कट करवाओ। दूसरे बच्चे को ज्ञान देने ही वाला था कि देखा उसने ऑलरेडी हेयर कट करा लिया है। ये देखकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सामने रास्ता ब्लॉक था तो हमने अपनी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल कर गाड़ी को पीछे भेज दिया। बगल से एक आदमी अपने हाथों का कमाल दिखा रहा था। हमने पूछा खैनी बन गई? वो नई दुल्हन की तरह शर्माने लगा। और फाइनली हम पहुंचे 231 साल पुराने दुर्गेश्वर मोटा महादेव के मंदिर। मैम ने बोला क्या ही मांगू, सब तो है मेरे पास। फिर महादेव ने हमें पास बुलाया और हमें नजदीक से दर्शन करने का मौका मिला। हम जैसे कॉर्पोरेट में घिसने वाले फूल लोगों को महादेव का फूल मिला। जय शिव प्रभु, जय भोलेनाथ। खुश होकर मैम बोली इस साल इंक्रीमेंट अच्छा होगा। पर बगल से एक आदमी आके बोला, आपने बोली मुझे नहीं पता, बट हम भी सुने कुछ नहीं बोली। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बोला आपका भी वही हाल है जो हमारा हाल है। जाते जाते मैम ने कहा ऊपर वाला तुम्हें इस साल का अप्रेजल सहने की शक्ति दे। दोस्तों सामने नदी थी, गाड़ी में मैम, हमने सोचा धक्का ही दे दे। इस नेक काम को करने के लिए चार आदमी और आ गए जो गाड़ी धक्का देने की गंदी एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बस वीडियो में आना चाहते थे। दौड़ लगा कर।